मूवी के शुरुआत में हमें चार बंदों को दिखाया जाता है। वो लोग घोड़े पे बैठ के एक रेगिस्तान में भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कुछ डाकू पड़े हुए थे। उन लोगों के पास और कुछ ज्यादा घोड़े थे, तो वो लोग कुछ दूर जाने के बाद उन घोड़ों को छोड़ देते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। तो वो डाकू धूल का पीछा करते हुए उन घोड़ों के पीछे चले जाते हैं। फिर ये चारों बंदे वहां से आगे जाने लगते हैं। रात को वो लोग एक जगह रुक के बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक के पैर में चोट लगी थी। असल में वो लोग उस रेगिस्तान में काला पाउडर ढूंढने आए थे। काला पाउडर एक विस्फोटक पाउडर था और उनके 20 बंदों को उन डाकुओं ने मार दिया था। फिर उनमें से एक बंदा सामान चेक करता है तो उसमें एक चुंबक होता है। वो रेगिस्तान में चुंबक का क्या काम बोल के उस चुंबक को फेंक देता है, पर दूसरा बंदा उस चुंबक को उठा के अपने पास रखता है और कहता है कि इस चुंबक से हम कंपास बना सकते हैं। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से एक जानवर आके बाकी दो बंदों को मार देता है। फिर ये दोनों अपना तलवार निकालते हैं और जिस बंदे के पास चुंबक था वो उस जानवर को तलवार से काट देता है, तो उस जानवर का हाथ कट के वहीं गिर जाता है और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होके एक खाई में गिर जाता है। फिर वो दोनों घबरा जाते हैं और उस कटे हुए हाथ को लेके वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों घोड़े पे बैठ के जा रहे होते हैं कि फिर से उनके पीछे वो डाकू पड़ जाते हैं। तो वो दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वहां वो दोनों एक बड़े से दीवार के पास पहुंचते हैं और वहां बहुत सारे सिपाही थे। वो लोग इन दोनों के चारों ओर तीर मार के इन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। तो ये दोनों बंदे अपने अपने हथियार फेंक के आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो वो सिपाही उन्हें बांध के अंदर ले जाते हैं। अब उनमें से काले कपड़े पहने हुए एक सिपाही कमांडर लिन को बुलाने जाता है। फिर सारे कमांडर्स और उनके जनरल साव इकट्ठा होते हैं और उस कटे हुए हाथ को देखते हैं। उन दोनों बंदों का नाम विलियम और टोभर था। अब कमांडर लिन उन दोनों से कुछ सवाल पूछती है, तो विलियम कहता है कि उसने इस जानवर को तलवार से मार दिया और उन्होंने इस जानवर को वहां से उत्तर दिशा की ओर 2 दिन की सफर की दूरी पर मारा था, पर कोई उन पे यकीन नहीं करता और कमांडर लिन उन्हें मार देने के लिए कहती है। वहां एक राजनीतिज्ञ यानी कि स्ट्रेटजिस्ट होता है जिसका नाम था वांग। वो सारे लड़ाई में स्ट्रेटजी बनाता था। अब वांग जनरल से कहता है कि ये लोग कटा हुआ हाथ लेके आए हैं और इनके तलवार पे हरे रंग का खून भी लगा है, तो ये दोनों सच बोल रहे हैं, इसीलिए हमें इन्हें मानना नहीं चाहिए, ये हमारे काम आ सकते हैं। तभी एक सिपाही आके कहता है कि उन पे हमला होने वाला है, तो जनरल साहब हमले की तैयारी करने को कहते हैं। फिर नीले वर्दी पहने हुए कुछ औरतें ड्रम बजा के सभी को हमले के लिए संकेत देती है। अब विलियम वांग से पूछता है कि ये क्या चीज है, तो वांग बताता है कि ये ताओताई है। फिर वो लोग विलियम और टोवार को एक पिंजरे से दीवार के ऊपर भेज देते हैं। वहां उन दोनों को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। वो दोनों इस फौज को देख के हैरान हो जाते हैं। उस फौज में काले वर्दी में फुट सोल्जर्स थे, लाल वर्दी में तीरंदाज थे और नीले वर्दी में सभी औरतें थे। फिर वांग आके जनरल से कहता है कि आखिरकार ये होने जा रहा है, तो जनरल कहते हैं कि हाँ, 60 सालों के बाद ये फिर से हो रहा है। अब सभी बहुत घबराए हुए होते हैं। फिर सामने से बहुत सारे ताओताई झुंड में आते हैं। फिर ये फौज उन पे आग का गोला फेंकते हैं। फिर तीरंदाज उनके आंखों पे तीर चलाते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके आंखों पे निशाना लगाने से ही वो ताओताई मरते थे। जब ताओताई दीवार के नजदीक आते हैं तो नीले वर्दी वाले औरतें भाला लेके उन पे हमला करती हैं। उनमें कमांडर लिन भी थी। अब वहां ताओताई सेना की रानी आती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े ताओताई के सिपाही होते हैं जो कि एक कवच बना के रानी को हर खतरे से बचाते हैं। रानी ताओताई सेना को चुंबकीय तरंग से संकेत भेजती है। फिर सारे ताओताई सेना दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं। एक ताओताई विलियम और टोवार के पास आ जाता है, तो जो सिपाही उन पे नजर रख रहा था वो ताओताई से लड़ने चला जाता है। तभी वहां इनकी तरह एक अजनबी आदमी आता है जिसका नाम बालाड था। वो आके विलियम और टोवार को खोल देता है। फिर वो दोनों उस ताओताई से लड़ने लगते हैं।
ऑक्टोबर उसका ध्यान भटकाता है और विलियम उसके आंख पे तीर मार के उसे मार देता है। तभी ताओताई की रानी उसके सेना को वापस चलने को संकेत देती है, तो वो सब मरे हुए ताओताई के बॉडीज को साथ लेके वहां से चले जाते हैं। ये देख के जनरल साहू कहते हैं कि ताओताई भी समय के साथ विकसित हो रहे हैं, पहले के मुकाबले वो बहुत चालाक हो गए हैं। अब जनरल साहू आके विलियम को शाबाशी देते हैं। फिर बालार्ड विलियम और टोबार के पास आता है और उनसे सवाल पूछता है, तो वो दोनों कहते हैं कि वो काला पाउडर को ढूंढने यहाँ आए थे और यहाँ फंस गए। फिर बालार्ड कहता है कि वो भी काला पाउडर ढूंढने यहाँ आया था। यहाँ से काला पाउडर तो मिल जाएगा पर उसे यहाँ से लेके जाना नामुमकिन है, क्योंकि ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे और वो यहाँ 25 सालों से फंसा हुआ है। अब बालार्ड कहता है नहा धो के तैयार हो जाओ, ये लोग तुम्हें खाना देंगे। फिर विलियम और टोबार अच्छे से तैयार हो के खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ बैठे सारे सिपाही ताली बजा के उन दोनों का स्वागत करते हैं। फिर जनरल साओ विलियम से उसके तीरंदाजी का कमाल दिखाने को कहते हैं, तो विलियम भी उन सबको अपना तीरंदाजी दिखाता है। फिर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अब विलियम और टोबार सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं। फिर कमांडर लिन विलियम को अपने फौज के बारे में बताती है। वो कहती है कि सीरियन उनके राज्य का झंडा है। सीरियन का मतलब होता है कि भरोसा। उनके राज्य में एक दूसरे पे भरोसा ही सब कुछ है। वो लोग अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बालार्ड विलियम और टोबार को काला पाउडर का थोड़ा सा नमूना दिखाता है। उसे देख के वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर बालार्ड कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा झलक है, इनके पास तो बहुत सारे काला पाउडर से बने हथियार हैं और वांग ही ये सब बनाता है, वो इसमें महारत हासिल कर चुका है। फिर बालार्ड कहता है कि ताओताई सेना फिर से हमला करेंगे, तब सारे सिपाही दीवार के ऊपर चले जाएंगे, उसी मौके का फायदा उठा के हम यहाँ से काला पाउडर लेके भाग सकते हैं। फिर टोबार कहता है कि ये हमें काला पाउडर दिलवाएगा और हम इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। फिर एक सिपाही आके दरवाजे पे उनको आवाज देता है कि वांग उन्हें बुला रहा है। फिर वो लोग वांग के पास जाते हैं। वांग उन्हें पूछता है कि उस ताओताई से लड़ते वक्त ये पत्थर कहाँ था, तो विलियम कहता है कि उसके बैग में था। फिर वांग कहता है कि इसकी चुंबकीय शक्ति अद्भुत है, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। अब विलियम उससे पूछता है कि ये ताओताई आए कहाँ से, तो वांग कहता है कि करीब 20वीं सदी से पहले एक राजा हुआ करता था जिसकी लालच की वजह से पूरा चीन दुखी था। तब आसमान से एक बड़ा सा उल्का गौ पर्वत पे आके गिरा था जिससे वो पूरा हरा हो गया और उससे ताओताई बाहर आने लगे। तब से हर 60 साल में एक बार ताओताई उत्तरी चीन में आतंक मचाने जरूर आते हैं। वो सब कुछ खाते हैं, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, वो अपनी रानी के लिए खाना लेके जाते हैं जो खाने के लिए अपने सिपाही पर निर्भर रहती है। जो खाना सिपाही लेके जाते हैं उसी से वो और बच्चों को जन्म देती है। राजधानी और उसके 20 लाख लोग यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर ये ताओताई उन्हें खा गए तो दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। उसी रात जनरल और कमांडर लिन कुछ सिपाहियों के साथ दीवार के ऊपर गए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कुछ सिपाहियों को ताओताई ने मार डाला है। फिर जनरल कहते हैं कि ताओताई इनको मार के इनकी बॉडी यहीं पे कैसे छोड़ गए। वो अपने सिपाहियों को घेरा बनाने को कहते हैं। तभी दो ताओताई सामने और पीछे से मिलके हमला कर देते हैं। पीछे वाले के आंख पे जनरल और कमांडर लिन वार करते हैं। फिर भी वो कमांडर लिन को काटने वाला होता है कि जनरल साओ उसके सामने आ जाते हैं और घायल हो जाते हैं। फिर वहां सारे कमांडर्स और सभी सिपाही इकट्ठा होते हैं। अब जनरल साओ कहते हैं कि वो हमारे सोच से भी ज्यादा चालाक हो गए हैं, उन्होंने मुझे मारने के लिए ये जाल बनाया था। फिर जनरल साओ कमांडर लिन को उनके राज्य का एक संकेत देके कमांडर लिन को जनरल घोषित करते हैं और फिर मर जाते हैं। अब सब जनरल साओ को श्रद्धांजलि देते हैं। अब वहाँ राजधानी के किले से सेन नाम का एक आदमी आता है और वो अपने साथ पुराने जंग के कुछ दस्तावेज लेके आया था। फिर वो कहता है कि ये 900 साल पुराना दस्तावेज है, तब हंसा गेट पर 3 बड़े बड़े जानवर चढ़ गए थे
जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्होंने सारे सिपाहियों को मार डाला था, पर अचानक से वो रुक गए और शांत हो गए। फिर हमने उनको मार दिया। अब वांग विलियम से कहता है कि हंसा गेट पे भी ऐसा ही एक बड़ा सा चुंबक था और इसी चुंबक की वजह से विलियम रेगिस्तान में उस ताओताई को आसानी से मार पाया था। फिर वांग कहता है कि ताओताई इस चुंबक की वजह से बहरा हो जाते हैं। फिर जब उससे अपने रानी से निर्देश नहीं मिल पाता तो वो कुछ नहीं कर पाता है और शांत हो जाता है। फिर जनरल लिन कहती है कि इसका हम पता कैसे लगाएं, और फिर विलियम कहता है कि क्यों ना हम एक ताओताई को पकड़ के देखें। फिर जनरल लिन कहती है कि कैसे पकड़ेंगे, तो विलियम कहता है कि एक बड़ा सा भाला बनाओ जो उसके हड्डियों में फंस जाए, फिर उसे ऊपर खींच लो। फिर टोभार विलियम पे गुस्सा होता है और कहता है कि बहुत हुई मदद, कल हम यहाँ से भागने वाले हैं। फिर अगली सुबह सारे सिपाही भालों पे एक दवा लगाते हैं जिससे ताओताई बेहोश हो सके। वहाँ बहुत धुंध छाया हुआ था, अब अचानक से ताओताई हमला कर देते हैं। वो उस धुंध में छुपके दीवार पर चढ़ने लगते हैं, फिर सारे सिपाही उन पे हमला करते हैं और दीवार के बीच से बड़े बड़े ब्लेड निकल के ताओताई को दो टुकड़ों में काट देते हैं। अब वो सब उन भालों को चलाते हैं तो वो जाके ताओताई पे लगते हैं, लेकिन दूसरे ताओताई आके उन भालों को निकाल देते हैं, पर एक ताओताई फंस के रह जाता है। फिर सब मिल के उसे खींचने लगते हैं, पर वो भाला धीरे धीरे ताओताई के शरीर से निकलने लगा था। अब विलियम खुद को रोक नहीं पाता और वहां आता है और कहता है हमें उससे बाकी सबसे अलग करना होगा, तो वो सब वहां आग का गोला छोड़ के उसको बाकी सबसे अलग कर देते हैं। अब विलियम उस चेन से नीचे जाता है और उस चेन को उस ताऊताई के पैर पे बांध देता है, बाकी सब उसे ऊपर खींचने लगते हैं। अब विलियम पर ताऊताई हमला कर देते हैं, तभी वहां टोवार आता है और उसे बचा लेता है। अब वो दोनों मिलके ताऊताई से लड़ते हैं, लेकिन ताऊताई आग को पार करके आने लगते हैं तो विलियम ऊपर तीर मार के संकेत देता है। फिर जनरल लिन काला पाउडर से बने हथियार मंगवाती है और सारे सिपाही उसे ताओताई पे हमला कर देते हैं। फिर कुछ सिपाही दीवार के नीचे से आके उस ताओताई और उन दोनों को ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वांग उस ताओताई के पास चुंबक ले जाता है तो वो शांत हो जाता है। फिर वांग के मना करने के बावजूद सेन उस ताओताई को एम्परर को दिखाने ले जाता है। अब जनरल लिन और सारे कमांडर्स दीवार के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार के नीचे से एक बड़ा गड्ढा दीवार के दूसरी तरफ तक बना हुआ था, तो वो समझ जाते हैं कि ये सब ताओताई सेना ने किया है और वो दो दिन में राजधानी तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरी तरफ टोवार और बालाड वहां से भागने की तैयारी करते हैं। बालाड काला पाउडर से बने एक विस्फोटक से हथियार घर के दरवाजे को तोड़ देता है। फिर वो दोनों काला पाउडर से बने सारे हथियारों को झोली में समेट लेते हैं। तभी वहाँ विलियम आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे घायल करके वहाँ से चले जाते हैं। ये सब एक सिपाही देख लेता है। अब जनरल लिन विलियम को मारने वाली होती है कि वहाँ वो सिपाही आके सब कुछ बता देता है। फिर जनरल लिन विलियम को कैद खाने में बंद करवा देती है। अब वो और बाकी सिपाही हवाई बलून से राजधानी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी दूर पहुंचने के बाद बालाट टोवार से एक घाटी के ऊपर जाके रास्ता देखने को कहता है, और जैसे ही टोवार घाटी के ऊपर जाता है तो बालाट घोड़ों को लेके वहां से भाग जाता है और उधर राजधानी में सेन एम्परर को दिखाने के लिए उस चुंबक को दूर ले जाता है। तो वो ताओताई उठ के रानी को संकेत भेज देता है। फिर रानी उसके सेना के साथ राजधानी की ओर जाने लगती है। फिर सेन उस चुंबक को उस पिंजरे पे लगा देता है तो वो ताओताई शांत हो जाता है। इधर विलियम को आजाद कर दिया जाता है। अब वांग उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ और सबको बताना कि यहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया अब खतरे में है। पर विलियम वहाँ से जाने के बजाय राजधानी चलने को कहता है। उसके साथ वो सिपाही भी आता है जिसने उसका साथ दिया था। वहाँ बालाड को रेगिस्तान में डाकू पकड़ लेते हैं और वो सब काला पाउडर के विस्फोटक से खेलने लगते हैं। तभी एक विस्फोटक आग में गिर जाता है और वहाँ विस्फोट होके डाकुओं के साथ साथ बालाड भी मर जाता है
और टोभार सारे विस्फोटक लेके वहाँ से जाने लगता है, पर दीवार से कुछ सिपाही आके उसे पकड़ लेते हैं। उधर राजधानी में ताऊताई सेना पहुँच के आतंक मचा रहे होते हैं। अब विलियम और जनरल लिन वहाँ पहुँचते हैं। वांग एम्परर से कहता है कि अगर हमने उनके रानी को मार दिया तो सारे ताऊताई सेना फ्रीज हो जाएंगे। अब वो सब उस पकड़े हुए ताऊताई पे बहुत सारे विस्फोटक लगा के उसे एक टावर के नीचे लेके जाते हैं, पर तभी वहाँ कुछ ताऊताई कुछ सिपाहियों को पकड़ के घायल कर देते हैं। उनमें से एक वो सिपाही भी था जिसने विलियम का साथ दिया था। विलियम उसे कहता है कि वो उसे वापस लेने आएंगे। अब वो सब वहाँ से आगे जाते हैं, तभी और बहुत सारे ताऊताई उन पे हमला करने आते हैं, तो वो सिपाही विस्फोटक जला के उन्हें मार देता है और खुद भी मर जाता है। अब वांग ताऊताई के सामने खाना रखता है और चुंबक को उससे दूर ले जाता है, तो वो ताऊताई उठ के खाना लेके रानी के पास जाता है। अब विलियम और लिन टावर के ऊपर जाते हैं और विलियम विस्फोटक तीर से निशाना लगाता है, पर बड़े ताऊताई सिपाही कवच बना के रानी को बचा लेते हैं। अब रानी उनको देख लेती है और सारे ताऊताई सेना को उस टावर पे भेजती है। फिर वांग जनरल लिन को वो चुंबक दे देता है और उसे ताऊताई मार देते हैं। अब लिन एक रस्सी को टावर के एक हिस्से पे अटकाती है, फिर वो दोनों उस रस्सी से लटक जाते हैं और विलियम उस चुंबक को रानी के पास फेंक देता है, जिससे बड़े ताऊताई कवच नहीं बना पाते। अब लीन विस्फोटक को रानी के पास फेंक देती है, जिससे रानी फटके मर जाती है और सारे ताऊताई सेना फ्रीज हो जाते हैं। अब सब दीवार पे वापस आते हैं और विलियम वहां टोवार को बंधा हुआ देखता है, पर जनरल लीन उन दोनों को आजाद कर देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।